आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसा कि ये चार पिक्चर है, चार पिक्चर में ये सबका क्या है, कलर अलग अलग है, कपड़ा का कलर अलग अलग है, बट जो पिक्चर है सभी का एक ही पिक्चर है। ठीक, जैसे ये है और इस पर क्लिक किया, ये मेरा ओरिजिनल पिक्चर है, क्या कि इसका शॉर्ट का कलर चेंज करके ऐसा बना दिए, फिर शॉर्ट का कलर रेड कर दिए, फिर इसका शॉर्ट का कलर थोड़ा येलो टाइप के कर दिए। तो इस प्रकार से आप भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। जय हिंद, मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से आप किसी भी कपड़ा के कलर को चेंज कर सकते हैं। आपके पास कोई भी फोटो है, पिक्चर है, जिसमें क्या कीजिएगा, बस एक क्लिक कीजिएगा और आपका जो शर्ट हो या पैंट हो या किसी भी प्रकार के कपड़ा हो जिसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे, इसमें पूरा हम प्रोसेस बताएंगे। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, इसके लिए हम लोग चले आएंगे। देखिए, चार पिक्चर है, पहले हम लोग क्या करते हैं, फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये फोटोशॉप है जो आपके सामने है, जो ओपन होके आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे फोटो हो गया, जो ओपन हो गया। अब फोटो लाने के लिए क्या करना है, इस पर या तो दो बार क्लिक कर देना है राइट क्लिक, और उसके बाद डिस्प्ले पे अपना जहाँ पे आप फोटो पिक्चर रखे हुए हैं ले लीजिए। चलिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पे आकर और इसमें से एक पिक्चर ले लेते हैं, कोई एक पिक्चर इसमें आ गया और यहाँ पे एक पिक्चर। चलिए, ये पिक्चर हो गया। अब ये पिक्चर के कलर है जो इसका हमको क्या करना है, चेंज करना है, ये शॉर्ट का कलर को चेंज करना है। ठीक, तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, शॉर्ट को सिलेक्ट करना होगा। शॉर्ट को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये तीन है, एक है पॉलीगोनल लासो टूल और एक है आपको लासो टूल और एक है मैजिक लासो टूल। ठीक, तो हम लोग आके यहाँ पे पॉलीगोनल लासो टूल पे आ जाएंगे। आ गए, और देखिए इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इसको थोड़ा जूमिंग करना होगा, क्योंकि आपको एक प्रत्येक एक पॉइंट पकड़ना है। तो पॉइंट पकड़ने के लिए क्या करना होगा, जूमिंग करना होगा। तो जूमिंग करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस प्रेस करना है, एक बार कीजिएगा तो थोड़ा होगा जूमिंग, फिर एक बार कीजिएगा तो और जूमिंग हो जाएगा, फिर एक बार और जूमिंग, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका शॉर्ट का कलर हमको जो है जो चेंज करना है, तो शॉर्ट का कलर चेंज करना है, तो इसके लिए शॉर्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो शॉर्ट के सिलेक्ट करने के लिए देखिए, यहाँ से हम सिलेक्ट करते, ठीक, यहाँ पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ पे, बाय द वे आपसे ये गलती हो गया। ठीक, तो इसको पीछे बैक कैसे लाइएगा, तो या तो आप शुरू से कर सकते हैं, बट कहीं आगे ले जाइएगा फिर गलती हो जाएगा, तो उस समय पे क्या है, बैक स्पेस है, बैक स्पेस के प्रेस कीजिए, आपका पॉइंट पीछा ले आएगा। अब इस प्रकार से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, आप इसको देखिए, देखिए इस पर आपको करने के लिए माउस पे पकड़ होना चाहिए। जब तक आपको माउस पे पकड़ नहीं होगा, जब तक आप फास्ट से इस पर काम सही से नहीं कर सकते फोटोशॉप में। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसको अगर ऊपर ले जाना है, देखिए ऊपर और नीचे लाने के लिए क्या करना है, आपको स्पेस बटन दाबे रहना है, और स्पेस बटन दाबे हुए पे आपको क्या है, लेफ्ट क्लिप को दाबे रहिएगा, और उसके बाद इस प्रकार से आप ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। अब यहाँ तक सिलेक्ट होने के बाद इसको कंट्रोल माइनस से छोटा कर लीजिए और इसको इस प्रकार से यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। बट ये तो सिलेक्ट हो गया है, अब इसका हम शॉर्ट का कलर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका हाथ का भी कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्ट के अंदर ही क्या है, ये हाथ का ये है। ठीक, तो क्या है, हाथ को भी अलग से हमको सिलेक्ट करना होगा, ताकि हाथ जैसा है वैसा ही रहे। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, ऊपर कर लिए, और उसके बाद अल्ट को दाबे रहना है, तब इसको सिलेक्ट करना है। ठीक, ये जिस पे है सिलेक्ट हुआ है उसी पे रहेगा, पॉलीगोनल लासो टूल पे ही रहेगा, और इसके बाद अल्ट को हमको सिलेक्ट दावे रहना है, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है। जैसे हम लोग बाहर से किए सिलेक्ट शॉर्ट के कपड़ा का, उसी प्रकार से हाथ को भी अल्ट का है जो दावे रहना है, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करना।
अब इस प्रकार से यह है, आप कंट्रोल माइनस इसको हम छोटा कर लेते हैं। देखिए जूम करके क्यों हम लोग करते हैं, तो जूम करके यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो पूरा प्रत्येक एक पॉइंट पॉइंट पकड़ाएगा, जिसके कारण आपका जो काम है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होगा, ठीक है। तो देखिए जैसा इस पर आप हम जो जूम करके किए हैं तो बहुत ही अच्छा से ये है जो सेलेक्ट हो चुका है। अब इसमें हमको क्या करना है, कलर चेंज। तो देखिए आपको कलर चेंज करने के लिए यहाँ से आके कलर चूज करके आपको फिल नहीं कर देना है कंट्रोल बैक स्पेस चाहे कंट्रोल डिलीट बटन से, तो इस प्रकार से आप नहीं कर सकते। ऐसे अगर कीजिएगा ये फालतू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। कंट्रोल जेड से हम बैक कर लिए। अब इसमें हमको कलर, इसका कपड़ा का जो कलर चेंज करना है, तो इसके लिए कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करना है। याद रखिएगा कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करना है। अब यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड करना है तो रेड हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें से है जो इसको हम लोग ज़्यादा कम करेंगे, बट ये हो नहीं रहा है तो इसके लिए ये कलराइज इस पर हम क्लिक करेंगे, अब ये होगा, ठीक। तो इसको हम लोग ज़्यादा कम करके देखेंगे और ज़्यादा कम जब आप कीजिएगा तो इसमें ऑटोमेटिक है, देखिए अब रेड हो चुका है। ये कलर है जो कैसा हो गया, शॉर्ट का रेड हो गया। आप इसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करके और उसके बाद सेव कर लीजिए, आपका कलर है जो रेड हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं, जैसे ये तो यहाँ पे हो गया, ठीक, रेड हो गया। हम कंट्रोल यू से फिर से आते हैं, अब दूसरा कलर फिर इसी प्रकार से येल्लो करना है तो आप येल्लो ले सकते हैं और इसको कलराइज पे आपको क्लिक करना होगा ताकि यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा जो क्या काम हो रहा है। और इस प्रकार से ये येल्लो है, ये येल्लो है, बट आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये मास्टर कलर है सिलेक्ट, यहाँ पर आपको येल्लो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करते हैं और इसको येल्लो करना है तो येल्लो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। येल्लो सिलेक्ट करने के बाद इसको आप बढ़ाइएगा और यहाँ से बढ़ा बढ़ा के इसको देखिएगा। देखिए क्योंकि हम इस पर पहले हम क्या है ग्रीन कर दिए, इसके कारण ये नहीं हो रहा है। यहाँ कलराइज भी हमको करना होगा। अब इसको हम लोग येल्लो देखते हैं, चलिए यहाँ पे चले आए और इसको थोड़ा सा, इसको आपको कलर क्या है ना जो मिक्सिंग करना होगा सही से। देखिए यहाँ से कलर फिर चेंज रेड हो गया, मास्टर कलर सेलेक्ट है, यहाँ से येल्लो टाइप के हो गया। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, बट इसमें और ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करते हैं और यहाँ से आप ग्रीन वगैरह ब्लू कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है मैनेजमेंट में क्या है, यहाँ से आप अपने हिसाब से कौन कलर करना है, ब्लैक येल्लो वाइट जैसा करना है यहाँ से ले जाइए इसको। जैसे यहाँ पर लिया है, ठीक, यहाँ पर ये लिया है, यहाँ पे पीला करना, यहाँ पे लिया है और लाने के बाद इसको अब हम लोग क्या करेंगे, हल्का बढ़ाएंगे, यहाँ कलराइज पे इस पर क्लिक कर देंगे, फिर इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बढ़ा घटा के आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आपको करना। और इसमें देखिए इसमें ये ज़्यादा कीजिएगा तो ये पूरा ही पोता हुआ लग गया, और ऐसे कीजिएगा ये भी सही नहीं है, ठीक। तो इसको भी आप अपने हिसाब से इसको कीजिएगा, इसको कर कर के है ना थोड़ा बहुत कीजिएगा सब, क्योंकि सब कलर के हिसाब से, सब कलर पे सब हिसाब से होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ नॉर्मल इतना ही पे रहने दीजिए, नॉर्मल इतना ही पे ही सही है, ठीक है। आपको ज़्यादा कम करना है तो इस दोनों से कीजिए, इस दोनों से ही ज़्यादा कम कीजिए। फिर यहाँ से कलर आपको चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं जैसा। और उसके बाद यहाँ से अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ से प्रीव्यू कर लीजिएगा। बाकी आपको जो एक सिलेक्ट किए हैं, एक सिलेक्ट करने के बाद आप अल्ट के साथ आपको है जो सिलेक्ट करना है दूसरा, ठीक। अगर बाय द वे बीच में अगर नहीं है दूसरा चीज़, ठीक है, अगर हाथ का सिंबल अगर नहीं है या कोई भी दूसरा अगर जगह नहीं है बीच में तो आप तो एक ही बार में कर सकते हैं, बट यहाँ पे दूसरा भी सिंबल है तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसका हम कलर हम चेंज कर लिए, चलिए चेंज कर लिए, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से आके हम लोग क्या किए, सेव एज करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करके और जहाँ आपको जिस जगह पे है डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे हम लिख के इसको हम क्या किए, सेव कर दिए। इसको हाई क्वालिटी अपने कर लीजिए मैक्सिमम। और इसके बाद यहाँ पे ये तो पहले से ही है और यहाँ से डेस्कटॉप पे है, यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको हम चेंज कर दिए कलर को। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।